जय हिंद। पॉलिटी की आज की क्लास में हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। बेसिकली किस आर्टिकल में बातचीत की गई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में वो देखेंगे। इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, इनका टर्म क्या होता है उस पर बातचीत करेंगे। एजीआई के ड्यूटीज़ क्या हैं और फंक्शंस क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और एजीआई के राइट्स और लिमिटेशंस क्या हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या बातचीत है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 76 में कहा गया है। किस चैप्टर में कहा गया है? चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव। कौन सा पार्ट? पार्ट 5 द यूनियन। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 76 में कहा गया है। इसकी बातचीत कौन से चैप्टर में की गई है? चैप्टर 1 जो कि टाइटल्ड है द एग्जीक्यूटिव। कौन से पार्ट में? पार्ट 5 जो कि टाइटल्ड है द यूनियन। ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसी भी ऐसे इंसान को जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है, उसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है, अपन ने पहले भी पढ़ी हुई है। एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होने के साथ साथ या तो हाई कोर्ट का जज रहा हो 5 साल तक, या हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो 10 साल तक, या प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एमिनेंट जूरिस्ट हो। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन और सिटीजन ऑफ इंडिया अगर कोई इंसान है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। और कोई भी ऐसा इंसान जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है, उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का टर्म कितना होता है, उसकी बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं की गई है। अटॉर्नी जनरल को रिमूव कैसे किया जाएगा, रिमूवल के ग्राउंड्स क्या होंगे, उसकी भी बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट, और बड़ा सिंपली एट एनी टाइम प्रेसिडेंट जब चाहे तब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल अगर रिज़ाइन करना चाहता है तो रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। कन्वेंशनली होता यह है कि कोई भी इंसान जब अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया जाता है तो वो तब तक अटॉर्नी जनरल रहता है जब तक कि सरकार पावर में रहती है। जिस दिन सरकार रिज़ाइन करती है उस दिन अटॉर्नी जनरल भी रिज़ाइन कर देता है या फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है, बिकॉज सरकार उसको अपॉइंट कर रही है। तो जब तक सरकार रहती है तब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहता है। हालांकि पहले भी हटा सकते हैं प्रेसिडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से तो हटाएंगे नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर हटाएंगे। पहले हटाना चाहें तो पहले भी हटा सकते हैं, लेकिन यूजुअली होता ही है कि जब तक सरकार रहती है तब तक अटॉर्नी जनरल भी अपने ऑफिस में बना रहता है। जैसे ही सरकार जाती है तो जो नई सरकार आती है फिर वो अपने हिसाब से देखती है कि किसको अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करना है, इस अटॉर्नी जनरल को कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई बातचीत नहीं की गई है। प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं और प्रेसिडेंट जितना सैलरी जितना रेम्यूनरेशन देना चाहते हैं उतना रेम्यूनरेशन एजीआई को दे दिया जाता है। बेसिक बातचीत कौन से आर्टिकल में बातचीत की गई है? आर्टिकल 76 में बातचीत की गई है। अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसको अपॉइंट करते हैं? किसी भी ऐसे इंसान को जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। टर्म कितना होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बातचीत नहीं की गई। रिमूवल का मैनर क्या होगा, ग्राउंड्स क्या होंगे, उसकी भी बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई। रिमूव बड़ा सिंपल है, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकते हैं। रेजिग्नेशन अगर देना है अटॉर्नी जनरल को तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। कन्वेंशनली होता यह है कि जब तक सरकार रहती है तब तक अटॉर्नी जनरल अपने ऑफिस में बना रहता है। जैसे ही सरकार जाती है तो फिर अगली सरकार डिसाइड करती है कि किसको अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करना है, और उनकी इच्छा है, उस आदमी को रखना चाहें तो उसको भी रख सकते हैं, किसी और को रखना चाहें तो किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं। रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, उसकी भी बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई, उसको भी डिटरमाइन कौन करता है? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। अटॉर्नी जनरल के ड्यूटीज़ क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देना ऐसे किसी भी लीगल मैटर पे जो कि प्रेसिडेंट ने उसको रेफर किया है। कोई भी ऐसा लीगल मैटर जो कि प्रेसिडेंट एजीआई को रेफर करेंगे, उस मैटर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देने का काम किसका? एजीआई का। कोई भी ऐसी लीगल ड्यूटी जो कि प्रेसिडेंट उसको असाइन करते हैं उसको भी एजीआई परफॉर्म करते हैं, फुलफिल करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या किसी भी लॉ के थ्रू अगर कोई फंक्शन एजीआई के लिए बताया गया है तो उसको भी डिस्चार्ज करने का काम किसका है? एजीआई का है। बेसिकली प्रेसिडेंट ने कोई भी लीगल मैटर अगर रेफर किया है तो उस मैटर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कौन देगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देगा। कोई भी लीगल कामकाज है जो कि प्रेसिडेंट उसको असाइन कर रहे हैं उसको भी परफॉर्म कौन करेगा, फुलफिल कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी लॉ में कोई फंक्शन लिख दिया गया है कि ये तो एजीआई का फंक्शन है तो उसको भी फुलफिल कौन करेगा? एजीआई फुलफिल करेंगे। प्रेसिडेंट ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू एजीआई के लिए कुछ ड्यूटीज़ असाइन की हैं। वो ड्यूटीज़ क्या हैं?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपियर होने का काम किसका है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेके कोई केस चल रहा है वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया अपन पढ़ते हैं ना, तो ऐसा कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे अपियर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के अंडर कोई रेफरेंस, कोई एडवाइस मांगी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे उस केस में अपियर कौन होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। और ये तो आपने सुना ही होगा, पढ़ा है अपन ने पहले, आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट को बेसिकली ये पावर है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के किसी भी मैटर पे अगर प्रेसिडेंट चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं, एडवाइस मांग सकते हैं। ऐसे किसी भी मैटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में कौन रिप्रेजेंट करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है। हमारे कंट्री के किसी भी हाई कोर्ट में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपियर होने की ज़रूरत है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में किसी हाई कोर्ट में केस हो गया है, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करता है। बड़ा सिंपल, क्या काम है, क्या फंक्शंस है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के? प्रेसिडेंट के द्वारा रेफर किया गया कोई भी लीगल मैटर है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कौन देता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देता है। कोई भी लीगल कामकाज है जो कि प्रेसिडेंट ने असाइन किया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, उसको भी एजीआई पूरा करेगा। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी लॉ के थ्रू कोई फंक्शन बता दिया गया है कि ये एजीआई का फंक्शन है तो उसको भी फुलफिल कौन करेगा? एजीआई फुलफिल करेगा। प्रेसिडेंट ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू एजीआई की ड्यूटीज़ बता दी हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है तो कौन रिप्रेजेंट करेगा? एजीआई रिप्रेजेंट करेगा। आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से किसी केस पर एडवाइस मांगी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में उस केस में रिप्रेजेंट कौन करेगा? एजीआई करेगा। और हमारे कंट्री के किसी भी हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो कौन रिप्रेजेंट करेगा? एजीआई रिप्रेजेंट करेगा। राइट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एजीआई क्या हैं? ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ा हुआ है। एक तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राइट ऑफ ऑडियंस है इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं उनमें जाके एजीआई बैठ सकते हैं, बातचीत को सुन सकते हैं। इसके अलावा राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर जॉइंट सिटिंग एंड एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर बट विदाउट अ राइट टू वोट। ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एजीआई जो हैं वो दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग वगैरह में जाके बोल सकते हैं, उनके प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वोट नहीं कर सकते हैं। और एजीआई को वो सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो सारी इम्यूनिटीज़ मिलती हैं जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं। अच्छा, ये राइट टू स्पीक टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट वगैरह वगैरह, ये किस आर्टिकल में बात की गई है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपन ने पढ़ा हुआ है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं एजीआई के ऊपर। क्या लिमिटेशंस हैं? एक तो एजीआई शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आप कोई एडवाइस नहीं दे सकते हो, कोई ब्रीफ होल्ड नहीं कर सकते हो कि भाई साहब कोई कंक्लूजन दे दिया कि ये सही है ये गलत है, वो सब नहीं कर सकते हो क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हो कोर्ट्स में जाके, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में एडवाइस देने लग गए फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में एडवाइस नहीं दे सकते हो, उसके अगेंस्ट में कोई ब्रीफ होल्ड नहीं कर सकते हो। एजीआई शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ इन केसेस इन विच ही इज कॉल्ड अपॉन टू एडवाइस और अपियर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी एक्स केस में रिप्रेजेंट करने के लिए एजीआई को बुला रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है हमारे अगेंस्ट में, आप जाओ हमें रिप्रेजेंट करो। उसी केस में आप किसी फर्दर पार्टी को, दूसरी पार्टी को एडवाइस देने लग गए, ब्रीफ देने लग गए, गड़बड़ हो जाएगी। तो आप ऐसी कोई एडवाइस नहीं दे सकते हो जिसमें आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एजीआई शुड नॉट डिफेंड अक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ध्यान देने वाली बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना आप किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में किसी भी इंसान को, किसी भी अक्यूज्ड को डिफेंड नहीं कर सकते हो। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लो, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि हाँ आप फलाने इंसान को डिफेंड कर सकते हो कोर्ट में जाके तो कर सकते हो, विदाउट परमिशन नहीं कर सकते हो। एजीआई शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी और कॉरपोरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें भी बड़ा सिंपल है, किसी भी कंपनी में, किसी भी कॉरपोरेशन में डायरेक्टर की पोस्ट के लिए आपको अगर अपॉइंट किया जा रहा है तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर परमिशन देगी तो आप डायरेक्टर की पोस्ट को ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते हो। ही शुड नॉट एडवाइस एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन और एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अनलेस द प्रपोजल और अ रेफरेंस इन दिस रिगार्ड
इज रिसीव्ड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट को, किसी भी मिनिस्ट्री को, किसी भी स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को AGI एडवाइज नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस उनको ना बोलें कि हाँ साहब आप इनको एडवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की परमिशन चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने अब तक क्या बात की है। देखो सबसे पहले हमने बात की किस आर्टिकल में बात की गई है AGI के बारे में, आर्टिकल 76 में। AGI इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किस इंसान को किया जा सकता है? ऐसा कोई भी इंसान जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। टर्म कितना है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया हुआ। कैसे रिमूव करना है, किस मैनर से रिमूव करना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया हुआ। बड़ा सिंपल है, प्रेसिडेंट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे AGI को रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजाइन अगर करना है तो किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को करेंगे। रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया हुआ। कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। कोई भी प्रेसिडेंट ने मैटर है, लीगल मैटर जो कि रेफर किया है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देने का काम किसका? अटॉर्नी जनरल का। कोई भी लीगल ड्यूटी जो कि प्रेसिडेंट ने असाइन करी है, उस ड्यूटी को फुलफिल कौन करेगा? AGI फुलफिल करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या किसी भी कानून के थ्रू कोई फंक्शन अगर AGI को दे दिया गया तो उसको भी डिस्चार्ज कौन करेगा? AGI करेगा। प्रेसिडेंट ने ड्यूटीज बताई हैं, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? AGI रिप्रेजेंट करता है। आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ने कोई एडवाइस मांगी, किसी भी मैटर पर रेफरेंस भेजा है, तो वहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? AGI करता है। किस कंट्री के किसी भी हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेगा। ये अपने को पता ही है कि टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी में किसी भी कोर्ट में AGI अगर चाहें तो जाके बैठ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बट विदाउट अ राइट टू वोट। जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेजेस मिलते हैं, इम्यूनिटीज मिलते हैं, वो AGI को भी मिलते हैं। अब AGI के ऊपर लिमिटेशंस क्या हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एडवाइस नहीं कर सकते हैं, कोई ब्रीफ होल्ड नहीं कर सकते हैं। किसी केस में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ भी उसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में एडवाइस नहीं कर सकते हैं, ब्रीफ होल्ड नहीं कर सकते हैं। किसी भी क्रिमिनली अक्यूज्ड पर्सन को, किसी क्राइम के लिए अगर कोई अक्यूज्ड है तो उसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको परमिशन दे। किसी कंपनी में, किसी कॉरपोरेशन में डायरेक्टर की तरीके से अपॉइंट नहीं किए जा सकते विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी मिनिस्ट्री को, किसी डिपार्टमेंट को, किसी स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कोई एडवाइस नहीं दे सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। बेसिकली अपन ये कहना चाह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। इनफैक्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकता है। ही इज नॉट डिवाइड फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। जब जरूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने की सुप्रीम कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करो, अदरवाइज आप अपना लीगल प्रैक्टिस, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लिमिटेशंस हैं जो अभी अपन ने पढ़ी कि ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो आप जब प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो, बिकॉज इन चीज़ों की वजह से जो अपन पढ़ रहे हैं उनकी वजह से ये हो जाएगा कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में अगर एडवाइस दे रहे हो फिर क्या फ़ायदा है आपको AGI रखने का? फिर तो गवर्नमेंट को नुकसान है। तो आप लीगल, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हो, उस पर कोई बैन नहीं है, कोई डिबार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो तब कर सकते हो, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें लिमिटेशंस हैं। इसके बाद बात आती है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक तो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में अदर लॉ ऑफिसर्स भी होते हैं, जैसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। बेसिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अकेले पूरा कामकाज नहीं संभाल सकते हैं जितना भी चल रहा है यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर, क्योंकि बहुत सारे केसेस में रिप्रेजेंट करना है, बहुत सारा कामकाज है, उतना फिर पीछे पेपर वर्क भी करना होता है, तो इतना सारा काम अटॉर्नी जनरल अकेले नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में अदर लॉ ऑफिसर्स भी होते हैं, जैसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये जो होते हैं ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करते हैं। बट ये ध्यान रखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बातचीत की गई है। आर्टिकल 76 सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बातचीत करता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता। ये तो क्योंकि दिख रहा है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो अकेले सारा कामकाज नहीं संभाल सकते हैं, उनको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये लोग तो सिर्फ मदद करने के लिए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट। अभी अपन कह रहे थे कि अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, बोलने के लिए राइट है, फिर सारे प्रिविलेजेस, सारी इम्यूनिटीज वो हैं जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं। बहुत क्लोज स्पेस में काम करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सरकार के साथ में मिलके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर है। सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर नहीं है,
बस एक तरीके से सरकार का वकील है जो सरकार को रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जो सरकार को एडवाइस देता है लीगल मैटर्स पे। जब अगर सेंट्रल कैबिनेट की बात आएगी तो एक सेपरेट लॉ मिनिस्टर होता है सेंट्रल कैबिनेट में, जो कि गवर्नमेंट के लेवल पर जो भी लीगल मैटर्स होते हैं उनको देखता है, उन पर देखरेख रखता है। और इसके साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।